वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बी ए फर्स्ट ईयर की जो सोशोलॉजी है उसको 90% कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके नोट्स का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, सातवींकरण कैसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। आपसे सातवींकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। सातवींकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों से अपनी सभी मतभेद भुला देता है। सातवींकरण क्या है? सातवींकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, ठीक है, या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह से अपने सभी मतभेद भुला देता है। साथ साथ रहने और मिलने जुलने के कारण उनके विरोध कालांतर में समाप्त होकर एक रूप हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के गुणों की सॉरी गुणों को आत्मसात कर लेते हैं तथा एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं। दोनों होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार साथ साथ मनाते हैं। ये सातवींकरण का उत्तम उदाहरण है, ठीक है। बोगार्ट्स के अनुसार सातवींकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकाकार हो जाती हैं। बोगार्ट्स ने कहा कि सातवींकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे व्यक्तियों हों, उनकी जो मनोवृत्तियाँ हैं वो एकाकार हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाती हैं। बिसेंज तथा बिसेंज के अनुसार सातवींकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति और समूह समान भावनाओं, मूल्यों और लक्ष्यों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। उपर्युक्त परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि सातवींकरण की प्रक्रिया भी समाजीकरण की प्रक्रिया की भांति ही चलती है। सातवींकरण में दो संस्कृतियां परस्पर मिलकर आत्मसात होकर नई संस्कृति के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार सातवींकरण संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मेल से मेल खाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें।